हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी डेयरी फ्री वीगन कॉफ़ी। तो एक अच्छी पॉपुलेशन इंडिया में भी अभी वीगनिज्म की तरफ जा रही है। इसके फ़ायदे भी हैं, कहा जाता है इससे वेट लॉस प्रमोट होता है, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है और बहुत सारे तरह के अलग अलग कैंसर्स हैं जो इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। डायबिटीज़ जिन लोगों के लिए है उनके लिए भी लाइफस्टाइल अच्छा है। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड टर्न वीगन, बट इसे ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम डेयरी एंड मीट, देन आई थिंक दिस रेसिपी इज़ अ मस्ट ट्राई फॉर यू। सो अगर आप डेयरी से ब्रेक लेना चाहते हैं या आप डेयरी को अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको प्लांट बेस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी कॉफ़ी के लिए, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी पे चले जाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, स्पेशली दोज जिनको नहीं पसंद है वो बिटर फ्लेवर। तो आज की रेसिपी में मैं आपको नॉन डेयरी यानी वीगन मिल्क भी बनाना सिखाऊंगी, और ये मिल्क जो है वो कॉफ़ी एंड टी के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज नॉट ओनली इट्स रिच, ये कैलोरी में बहुत कम है। तो हम इस रेसिपी के लिए ओट मिल्क बनाएंगे और उसे यूज़ करेंगे अपनी वीगन कॉफ़ी के अंदर। ये लैक्टोज फ्री होता है, नट फ्री होता है। अगर आपको नट्स भी यूज़ नहीं करने हैं मिल्क बनाने के लिए, देन इट्स अ गुड ऑप्शन। बेनिफिट्स की बात करूँ तो अगर आपको ब्लड शुगर है तो उसे रेगुलेट करने के लिए, बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, फर्टिलिटी के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, मेमोरी के लिए, इट्स अ गुड रेसिपी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने ओट लिए हैं, ये क्विक ओट्स हैं। 3 टेबलस्पून में आप 2 कप तक मिल्क बना सकते हैं, स्पेशली अगर आपको उस मिल्क को हीट करना है। तो जैसे ही आप ओट मिल्क को हीट करते हैं वो थिकन अप हो जाता है, सो दैट शुड बी इनफ। पानी लेंगे एज रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पर नेचुरल स्वीटनर में मिश्री ली है, यानी रॉक शुगर 2 टेबलस्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 टेबलस्पून। ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर है वो 4 सर्विंग्स के लिए है और मैं एक बड़े बैच में बनाकर रखती हूँ ताकि आगे इसे यूज़ कर सकूँ। कोको पाउडर है फॉर फ्लेवरिंग एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट भी फ्लेवरिंग के लिए। तो सबसे पहले ओट मिल्क बनाएंगे। एज आई सेड, 1.5 टेबलस्पून आपको चाहिए 1 कप मिल्क के लिए। मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक माई कॉफ़ी टू बी वेरी क्रीमी, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कॉफ़ी की कंसिस्टेंसी चाहिए तो 1.5 टेबलस्पून इनफ होगा। मैंने इसके ऊपर पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपने गर्म पानी ऐड किया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने नॉर्मल पानी तो आप इसको 1 घंटे तक या 45 मिनट्स तक रख सकते हैं। आप कॉफ़ी का मिक्सचर बनाएंगे, जब तक हमारे ये सोक हो रहे हैं ओट्स तब तक हम अपनी कॉफ़ी का मिक्सचर बना लेंगे। तो बीट करेंगे हम कॉफ़ी को, जिसके लिए मैंने मिश्री को ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर के अंदर, इसका पाउडर तैयार कर लिया है और इसे बहुत आसानी से हमारी जो कॉफ़ी है वो बीट हो जाएगी। अब मैं इसे कप में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उसमें मैंने 2 कप इंस्टेंट कॉफ़ी भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी, 1 टीस्पून पानी से आप स्टार्ट कीजिएगा। ये जो पानी है बेसिकली वो मैंने ऐड कर दिया था उसी कटोरी में जिसमें मैंने अपनी इंस्टेंट कॉफ़ी रखा था, तो उसका कलर ऐसे हो गया, बट इट इज़ प्लेन वाटर। एंड एज आई सेड, ये मैं 4 to 5 सर्विंग के लिए बना रही हूँ, इसमें से मैं छोटा सा पोर्शन लूँगी 1 कॉफ़ी की सर्विंग बनाने के लिए। अब फाइनली जब हम अपनी कॉफ़ी बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने सोक ओट्स को, कोको पाउडर को और वनीला एक्सट्रैक्ट को एक ब्लेंडर में ऐड कर लिया है, इसे ब्लेंड करेंगे। वाटर एज आई सेड कंसिस्टेंसी जैसी आपको चाहिए। ओट मिल्क जो होता है वो थिकन अप हो जाता है जब उसे वार्म करते हैं, सो मेक श्योर कि आप मिल्क की कंसिस्टेंसी आप थोड़ी पतली रखें जब आप कॉफ़ी बनाएं। अब मैं इसे अच्छी तरह स्ट्रेन कर लूँगी। ये एक नट मिल्क बैग है, बेसिकली मसलिन क्लॉथ के ये बैग्स होते हैं जिनसे बहुत ईजी होता है स्ट्रेन करना, और ये सबसे स्मॉल साइज़ है, ये बड़े साइज़ में भी आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कपड़े से मिल्क को छान सकते हैं।
अब मैंने इसे एक पैन में ऐड कर दिया है और पैन में ऐड करने के बाद अब मैं इसे लगातार चला के बिल्कुल धीमी आंच पे वार्म करूंगी। सो मेक श्योर कोई भी प्लांट मिल्क जब आप कॉफ़ी या टी में ऐड कर रहे हैं तो उसे आपको तेज़ आंच पे नहीं हीट करना है, क्योंकि उसके जो भी अंदर रेसिड्यू होगा या जो भी, क्योंकि ये एक प्लांट बेस है तो उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टार्च भी होगा, वो सब बॉटम में स्टिक हो जाएगा। ना सिर्फ वो बॉटम में स्टिक होगा, वो बर्न भी हो सकता है और हो सकता है कि वो फटने भी लग जाए। सो मेक श्योर चाहे वो आमंड मिल्क हो या फिर ओट मिल्क हो या सोया मिल्क हो, उसे धीमी आंच पे ही आपको कुक करना है और लगातार चलाते रहना है। जब हमारा ये मिल्क जो है जिसे हमने फ्लेवर किया है कोकोआ से और वेनिला से, वो हीट अप हो गया है, अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले बॉटम में कप में हम अपनी बीट की हुई कॉफ़ी ऐड करेंगे और फिर अपना मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दिस इज ओट मिल्क, फ्लेवर्ड ओट मिल्क, और इसके ऊपर मैं आधा चम्मच और बीट की हुई कॉफ़ी और मिश्री का जो मिक्सचर था वो ऐड कर दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, और हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। इट इज़ सो रिच, इट इज़ सो क्रीमी, इट इज़ सो हेल्दी कि आपको पता ही नहीं लगा कि इट इज़ वीगन कॉफ़ी, एंड यू विल हैव ग्रेट फन इंजॉइंग दिस कॉफ़ी। सो एज आई सेड ये थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमी है और रिच है, लेकिन आप इसे लाइट कर सकते हैं बाय एडिंग मोर वाटर टू योर ओट मिल्क। न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ओट मिल्क में बहुत सारा फाइबर होता है, विटामिंस एंड मिनरल्स, और ये कैलोरी में लो होता है। डेयरी मिल्क अगर आप इतना ही यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी इंक्रीज हो जाएगी आपकी कॉफ़ी की। साथ ही कई लोगों को जब वो डेयरी मिल्क ऐड करते हैं कॉफ़ी या टी में तो उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बट इन दिस केस ये ऐसा नहीं होगा। आप इसे इंजॉय कीजिए बिना किसी टेंशन के। अगर आप इस डिलिशियस सी वीगन कॉफ़ी को ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर्स और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। दैट इज़ फूड फिटनेस एंड फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। बाय बाय।